दिल्ली नहीं है, दिल्ली के साथ एनसीआर के गुड़गावा, नोएडा, गाजियाबाद ये सब भी मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया भी हैं, और दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूटेड बनारस है, सबको पता है। तो दिल्ली का देश के अंदर फर्स्ट टाइम नंबर नहीं आता है, ग्यारहवें नंबर पर आता है, फर्स्ट टाइम स्टेट पर है। पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर, क्योंकि लोग पॉल्यूशन को खुशी की बात है कि कम से दिल्ली के अंदर इसको सीरियसली लिया जाता है। दिल्ली के अंदर इसके ऊपर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, दिल्ली सरकार इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा मैं इंटरवेंशन बताता हूँ जिसके बारे में शायद आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज से 5 साल पहले 4 साल पहले दिल्ली के अंदर हर दुकान के सामने एक जनरेटर चला करता था, शांति का हर बिल्डिंग के ऊपर जनरेटर चला करता था। आप अपने मीडिया हाउस में जो दिल्ली के अंदर देख लीजिएगा, 5 साल पुराने अपने बिल मंगा लीजिए कि कितना डीजल आप यूज़ करते थे। आज पूरे महीने में उतना डीजल यूज़ नहीं करता हूँ जितना पहले एक घंटे में किया करते थे। दिल्ली के अंदर 100% 24/7 हमने बिजली की उपलब्धता कराई, जिसकी वजह से जनरेटर्स का यूज होना बंद हो गया, कम हो गया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। आप पूरे साल का अपने एक साल का डीजल का बिल निकाल के देख लीजिएगा, और पहले अपने एक दिन का निकाल लीजिएगा, एक दिन में उससे ज़्यादा डीजल खर्च होता है। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपनी से बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, इसमें से एक एफर्ट ये भी है कि 24 घंटे बिजली को देना। तो दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, अपनी तरफ से हम लोगों के जो पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनके चालान कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं उनको कवरिंग, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कोई भी बिल्डिंग बनती है उसको बिल्कुल ब्लू कलर की शीटों से कवर किया जाता है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। ये दिल्ली सरकार ने कराया है, और भी सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, दिल्ली में इवन ऑर्ड किया गया था, तो दिल्ली सरकार सीरियसली ले रही। और मैं इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं और बार बार इसके प्रश्न उठाते हैं। मैं चाहूँगा एक बार बार उठाते रहें ताकि दिल्ली पॉल्यूशन मुक्त हो सके।